सभी शेख फ्रॉम ऑटोलॉजी इंडिया दिल्ली। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे ओबीडी स्टार का ये फेमस टूल है DC706, जो कि इश्यू रीड राइट करने का टूल है दोस्तों। और इसको अनबॉक्सिंग करके हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या कवर कर रहा है। हालांकि इश्यू रीड राइट करने के बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि फेमस टूल है KT200, जो कि मार्केट में काफी सेल हुआ था अभी उसको। लेकिन KT200 में क्या है, सिर्फ बॉस का जो ईसीएम है MD1 BS6 से रिलेटेड जो बॉस ईसीएम है वो कवर करता था, और बाकी जो जैसे डेल्फी का 7.1 BS6 की गाड़ियों में लगा हुआ है उसके लिए लोग दूसरा टूल खरीदते थे। फिर उसके बाद डेंसो, जो कि डेंसो A4 हो या H6 वाली ईसीएम हो या डेंसो, बहुत सारे हमारे मारुति गाड़ियों में लगा हुआ है, उसको रीड करने के लिए BS6 के लिए उसके लिए डेंसो का अलग से टूल खरीदते थे। सबके अलग अलग टूल पहले लोग खरीदते थे। वो सारा जो है डेटा एक तरह से देखा जाए तो एक ही टूल में उन्होंने ऐड कर दिया कंपनी ने। और दूसरी ये बेनिफिट ये है कि इसके लिए क्या है कि आपको लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है, इसमें सारी चीजें दी हुई है। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले नए बता दें कि ये टूल परचेज करने के लिए आपको ये हमारी कंपनी प्रॉपर GST इनवाइस यानी प्रॉपर बिल के साथ देगी, और इसके लिए आपको एक आधार कार्ड, वैलिड आधार कार्ड आपका होना चाहिए, वो हमारी कंपनी आपसे कलेक्ट करेगी, और ईमेल आईडी होना चाहिए जिससे आपको ये इनवाइस हम लोग जनरेट करें। दोस्तों को बता दें कि कंपनी के टोटल 6 ब्रांचेस हैं। ये मेन ब्रांच जो है तिलक नगर दिल्ली में है दोस्तों, सेकेंड ब्रांच है HBR लेआउट बेंगलुरु में, और केस्टॉप अपना थर्ड ब्रांच है के खाली कोलकाता में, फोर्थ अपना ब्रांच है कंपनी का जो कि कंकड़बाग रोड पटना के अंदर है, एक है कलामनारी रोड नागपुर में, एक है प्रकाश नगर मेट्रो के पास हैदराबाद में। सबके नंबर होते हैं, नियर बाई ब्रांच पे कोई भी टूल लेना हो, हमारी कंपनी से स्कैनर परचेस करना हो या ऐसे टूल्स में डील करते हैं हम लोग, बहुत सारी डिवाइसों में डील करते हैं दोस्तों। तो अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या ईसीएम कवर हो रहा है कि। तो चलिए आप वीडियो में बने रहिए। ये ओबीडी स्टार हालांकि बहुत ही फेमस कंपनी है और हम लोग इसको देखते हैं एक बार। ओके, फाइनली ये टूल है। बॉक्स को हम लोग नीचे रखते हैं और इस बॉक्स को हम लोग ओपन करके बस देख लेते हैं कि क्या क्या ये लोग आइटम दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ ऐसे इनका पेपर होता है मैनुअल, ये एक इनका मेन ओबीडी केबल होता है दोस्तों, ओबीडी केबल, और ये डिवाइस है, डिवाइस हालांकि इसको भी साइड रखते हैं। अब आ जाते हैं एसे सीरीज के अंदर, एसे सीरीज में ये देख लेते हैं दोस्तों। ये एक इनका पावर एडाप्टर है, इसकी जरूरत पड़ती है। ये एक इनका एडाप्टर इन्होंने दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे एडाप्टर हैं, इनको भी हम लोग खोल के ओपन करके देख लेते हैं एक बार। ये एडाप्टर है P003+, ये एक्चुअली एडाप्टर ये आपके अंदर दिखाएगा जब हम लोग गाड़ी करेंगे तो उसमें गाड़ी का कनेक्शन ईसीएम का बनाएंगे उस टाइम दिखाएगा। ये एक एडाप्टर जिनका आता है, ये 4 है, P004 का एडाप्टर है, और इसमें यहाँ पे ऑन ऑफ करने का स्विच दिया रहता है, ये भी ऑन रहना चाहिए हमारा। तो ये कनेक्शन है, काफ़ी बहुत ही बिल्ड क्वालिटी का कनेक्शन बनाया है। ये देखिए ये सारे जंपर वायर हैं इन्होंने, जो ईसीएम के पिन आउट्स में हम कनेक्शन करते हैं, तो पिन आउट्स के लिए कनेक्शन दिया हुआ है सारा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा साइड करते हैं और इधर हम लोग आ जाते हैं थोड़ा और देखते हैं कैसे कैसे क्या है। चलिए इसको ऑन करके देख लेते हैं। वैसे बहुत ही अच्छा ग्रेस डिस्प्ले दिया हुआ है, डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा है ओबीडी स्टार का, और जैसे कि आपने देखा होगा ओबीडी स्टार के बहुत सारी डिवाइस आते हैं। DP5 आता है इनका, जो कि फेमस चाबी के टूल है, वो हम लोग सेल नहीं करते DP5 को। तो ऐसे इनके एक एयरबैग के टूल आए मार्केट में, बहुत सारे डिवाइसें आए जिनके डिस्प्ले छोटे थे, उनसे ये बड़ा डिस्प्ले निकाल दिया, बहुत बड़ा डिस्प्ले किया इसमें। तो ये ऑन हो रहा है, ये स्टैंड वगैरह दिया हुआ काफ़ी अच्छा क्वालिटी का। तो फाइनली ये ऑन हो गया और हम लोग क्या करेंगे मैनुअल में, ये देखिए वैसे तो फुल के आ गया, ऑटो लॉन्चिंग का सिस्टम है इसके अंदर, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये कुछ फाइनली इस तरह का इंटरशेप दिया हुआ है। इसमें क्या है कि आप ईसीयू फ्लैशर, ये आपका ना काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो ये है। तो इसमें ईसीएम और टीसीएम दिया है, आप इसमें आप चाहते हैं बीसीएम भी ऐड करवाऊँ तो बीसीएम के भी डाटा ऐड करवा सकते हैं,
तो उसका अलग से चार्ज हो जाएगा। और ये डेटा मैनेजमेंट में क्या है इनका, जैसे कि जो भी आप रीड राइट करते हैं फाइलों को, वो डेटा इसमें आपका रहेगा सारा। इस तरीके से डेटा को रख सकते हैं, जिस तरह का भी आपका डेटा हो तो आप ये रीड राइट करके यहाँ पे रख सकते हैं। और हम लोग आ जाते हैं, ये सारा इन्होंने दिया हुआ है, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स है, ये सारी चीज़ें हैं, फाइल मैनेजर वगैरह है, आप उसमें जो भी रखेंगे तो देख सकते हैं। इनमें एक सपोर्ट सिस्टम है, जैसे कि आप चाहते हैं कि नहीं सामने वाले भाई से जिससे भी आप टूल ले रहे हैं तो ऑनलाइन चलाना हो, या किसी को भी ऑनलाइन आप चाहते हैं कि मेरे को हेल्प कोई कर दे, तो इसमें ये टीम व्यूअर का ऑप्शन भी बड़ा अच्छा दिया है। नेट चालू रहेगा तो आपका ये एक नंबर आएगा जिससे आप किसी से हेल्प लेना है तो ले सकते हैं। सपोज कैसे रीड करूं, कैसे राइट करूं, तो यहाँ एक नंबर आएगा, इंटरनेट चालू रहना चाहिए, तो ये नंबर आता है, नंबर आप बताएंगे तो कोई भी भाई आपको इस तरह का कोई हेल्प की ज़रूरत है तो लोग ले सकते हैं हेल्प भी। और उसके बाद थोड़ा बैक चलते हैं, और ये अपडेट सेंटर है इनका, आपके जो भी अपडेट्स आते रहेंगे आप अपडेट करते रहिए। इसमें 1 ईयर का अपडेट अभी इनका फ्री रहता है। और इश्यू फ्लैशर में चलते हैं, ECM के अंदर भी हम लोग चलते हैं, और यहाँ से हमें इंटर कर देना है थोड़ा सा। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करूँगा, छोटा मोटा डेमो एक तरह से। वैसे तो ECM हमारे पास नहीं है, अदरवाइज आपको दिखा दी। अशोक लेलैंड DCM 7.1 ये आपको दिया हुआ है, और इसमें ऑडी ऐसे बहुत सारी दी हुई है। यहाँ पे आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर सर्च में हमने लिख दिया MD1, तो हमने MD1 लिखा, हमारा MD1 का ECM यहाँ पे ये शो करेगा। तो देखिए ये कह रहा है कि आपका महिंद्रा का MD1, देख रहे हैं ये टाटा MD1, तो आप कौन सा है। MD1 क्या है कि बॉश का जो MD1 है वो महिंद्रा की सभी गाड़ियों में है दोस्तों। जैसे कि महिंद्रा मैक्सिमम जो गाड़ियां हैं, बुलेरो पिकअप है, या बुलेरो है, या सुप्रो है, जीतो है, और ये MD1 है। ब्लाजो को भी हमें करना है ट्रक वगैरह, वो भी MD1 लगा हुआ है, तो बॉश का। और स्कॉर्पियो वगैरह भी है, ये भी MD1 है। MD1 आपके टाटा की गाड़ियों में भी कई जगह मिलेगा, टाटा एस गोल्ड, इंट्रा V10 में, ये सब में MD1 ये ECM लगा हुआ है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि ECM कोई भी हो, किसी भी गाड़ी में लगा हो, हमें MD1 अगर वो है तो MD1 में उसको हम लोग कर सकते हैं, सपोज ये महिंद्रा। अब देखिए ये हमने टिक लगाया तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा गाइड। गाइड में क्या है कि कौन कौन सा हमें कनेक्शन लगाना है इसको रीड करने के लिए, ये गाइड में हेल्प कर देगा ये। सपोज ये तो आपको डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है कि क्या क्या कर सकते हैं इस ECM में, कह रहा है कि भाई रीड कर सकते हो आप, इसका पिन भी रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, ईप्रोम डेटा, फ्लैश डेटा को राइट कर सकते हो। अब देखिए कनेक्शन का मेथड, देखिए कनेक्शन मेथड में कह रहा है कि ये आपके पास एडॉप्टर अगर है, MP001 का एडॉप्टर है तो उससे आप रीड कर सकते हो इस ECM को। तो हमारे पास वो एडॉप्टर पुरानी है, पहले की एडॉप्टर है, तो इसीलिए नहीं। अब कह रहा है कि आपके पास ये एडॉप्टर है तो रीड कर सकते हो, तो मेरे पास ये तो एडॉप्टर ऑलरेडी है क्योंकि P003+ ये अभी नए अडॉप्टर हैं, ये आपको जरूरत पड़ेगी MD1 को रीड करने के लिए, तो ये अडॉप्टर के थ्रू यानी हम लोग रीड कर सकते हैं। थर्ड कनेक्शन एक और बना रखा है, तो ये हमारा गाइड के फंक्शन में क्या है कि आपको एक कनेक्शन का फार्मूला दे देता है, क्या क्या लगा के हमें कनेक्ट करना है। पिन आउट फाइनली क्या है कि आपको इसी के अंदर वो कनेक्शन भी दे दे रहा है, कनेक्शन मांगने की जरूरत नहीं है किसी से। अब सपोज ये MD1 है, देखिए इन्होंने दिखा दिया है कि भाई 12 बोल्ट ये चीजें यहाँ लगाओ, ये कुछ इस तरह का इंटरफेस ECM का आपको दिया है, डॉट्स वगैरह कहाँ पे कितने नंबर पे लगनी है ये सारा दे रखा है कि 5 नंबर पिन में 12 बोल्ट जाना चाहिए, ग्राउंड जाना चाहिए, कैन है, ये सारे चीजें, कलर है, तार की वायर की कलर भी इसमें दे रखा है बाकायदा। तो ये पिन आउट्स हैं, सारी चीजें इंटरनेट से होती हैं। फाइनली आपको स्टार्ट वाले बटन में जाकर के और स्टार्ट करना होता है, अंदर कनेक्ट करना होता है ECM से, तो ये हाईलाइट हो जाता है, स्टार्ट करने से तुरंत हाईलाइट हो जाएगा। भाई बेंच मोड है तो बेंच ही हाईलाइट होगा। अब देखिए जो एडॉप्टर वो मांगा है वही एडॉप्टर यहां से हाईलाइट होगा। तो 3 एडॉप्टर मांग रहा था वहां पे कि कौन सा एडॉप्टर आने लगा है, तो मैंने ये वाली लगाई है, तो जो एडॉप्टर आप लगाएंगे वो यहां सेलेक्ट कर देंगे। P004 देखिए हाईलाइट नहीं है, ये Delphi 7.1 में इसकी जरूरत पड़ती है तो ये हिडन है। तो ये अगर OBD से है वो गाड़ी, OBD से होनी है तो OBD हाईलाइट हो जाएगा, जैसे कि मैग्नेटिक मरेली है, बहुत सारे ECM है वो आपका उसके थ्रू है तो हो जाएगा। तो ये फाइनली उसके अंदर चला जाता है और हम लोग ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होके और उसके बाद जो है फाइनली यहाँ से कनेक्ट करेंगे, ECM को कनेक्ट हो जाएगा, ये सारी चीजें हाईलाइट हो जाती हैं। तो ये है, अगर ये कुछ दिक्कतें हैं तो हमें पिन आउट देखना जरूरी होता है, कनेक्शन देखना बहुत जरूरी होता है, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होता है।
तो चलिए ये अब हम लोग चलते हैं बैक यहाँ से थोड़ा सा, और ऐसे ही इनका जैसे कि सपोज डेल्फी 7.1 है, और मान लीजिए कि 7.1 हमने डाला, तो देखिए लीलैंड है इसमें बहुत सारे 7.1 इन्होंने दिया है, इसी में टाटा भी है, फोर्स भी है, फोर्स का, तो इस तरीके से हमारा 7.1 बहुत सारे इन लोगों ने दे रखा है आपको कि अब हमारा ये टाटा है जैसे सपोज टाटा। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको ना ये गाड़ी के अंदर जो लगानी है वो क्या है कि जम्पर, यानी हमें बेंच मोड बोलते हैं, इसे हम निकाल के पिन लगा के करने के लिए इशारा कर रहा है। तो जहाँ पे केबल लगे होंगे साथ में, तो केबल में क्या होगा वो इशारा करेगा भाई, बाय ओबीडी भी हो जाएगा, पिन भी हो जाएगा, ऐसे वो दिखाएगा, समझ रहे हैं। तो ये जैसे कि इसके भी हम लोग पिन आउट देख लेते हैं 7.1 के, कुछ ईसीएम इस तरीके से है वो कह रहा है, फिर इसका 7.1 का ये कनेक्शन भी इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया। इसमें एक और मजे की बात ये है दोस्तों कि डेल्फी 2.5 आप परेशान रहते हैं रीड करने के लिए, बहुत सारे गाड़ियों में वो दिया है डेल्फी 2.5, सपोज हमें 2.5 करनी है तो लीलैंड का डेल्फी 2.5 देख रहे हैं, ये रीड करने के लिए भी आप अलग से टूल खरीदते हैं, हालांकि ये KT200 में बहुत सारी डिवाइसों में ये आपको नहीं मिलेगा। तो इसका भी पिन आउट डेल्फी 2.5 का, देखिए डेल्फी का ईसीएम है दोस्तों, ऐसे इसके भी पिन आउट्स हैं। तो कई जगह आप डेल्फी 2.5 के लिए भी परेशान रहते हैं। अब ऐसे ही आप डेंसो है तो डेंसो आप ले लीजिए, डी सपोज हमें डेंसो में क्या है, हमें ब्रांड में आ जाना है, ब्रांड के बाद हमें सुजुकी में आ जाते हैं, सुजुकी में इसमें सारे ब्रांड है, सारे ब्रांड दिया है, बहुत सारे ब्रांड है, स्कोडा वगैरह ये सारा, हम आ जाते हैं सुजुकी के अंदर। तो पुराने ईसीएम है वो भी आप कवर कर सकते हैं, जैसे BS4 में 1755 वगैरह लगा है, 1639 है, बहुत सारे ईसीएम है वो सारा इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी। ये देखो डेंसो वगैरह सारा है, ये बकायदा आपका सारे डेंसो का इन्होंने दिया हुआ है, ये स्विफ्ट का, मैग्नेटिक मरीली का है। तो सपोज ये देखिए दोनों कनेक्शन देख रहे हैं, बाया ओबीडी भी कर सकते हैं, और आप यहाँ पे दो दिया हुआ है, या तो ईसीएम निकाल के बाहर कर सकते हैं, तो दोनों मोड दिया हुआ है कि उसमें देखना होगा कि कौन से मोड में हमारा रीड हो रहा है। तो ये सारा है, और बैक चलते हैं, और बाकी ईसीएम क्या देखना, बाकी तो हम लोग महिंद्रा का देख सकते हैं, मारुति टाटा का देख सकते हैं, ऐसे तो ये इन्होंने जैसे कि आपका सारा बाहर ही दे रखा है डंप मोड का, तो डंप मोड में ये सारा देख सकते हैं। तो ये सारी कंप्लीट है, और उसके बाद ये केबलें हैं सारी, ये सारी चीज़ें हैं। तो जिन भाइयों को लेना है आपको नियर बाई ब्रांच पे ज़रूर कांटेक्ट करें और डिस्कस करें, सपोर्ट चाहिए सपोर्ट भी हम लोग ज़रूर देंगे दोस्तों। थैंक यू।